हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे भिंडी दो प्याजा, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आपका स्वागत है शेफ संदीप किचन में। सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 500 ग्राम भिंडी, जिनको मैंने धो के अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। चलिए अब इन्हें कट कर लेते हैं। सभी भिंडियाँ कट चुकी हैं। चलिए अब ले लेते हैं टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं 2 और प्याज मैंने लिए हैं 3। चलिए इन्हें भी कट कर लेते हैं। अब कटिंग में मैंने यहाँ पर एक टमाटर को चॉप कर लिया है, एक प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है, बाकी को डाइस कर लिया है। अब लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। जैसे ही रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाता है, अब उसमें डालेंगे हम भिंडी। अब इसमें हम भिंडी ऐड कर लेते हैं। भिंडी डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, भिंडी भी हल्की हल्की सी फ्राई हो चुकी है। भिंडी को फ्राई करते हुए नमक नहीं डालना है। यहाँ पे मैंने भिंडी को बिना नमक के ही फ्राई किया है। भिंडी को आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो भिंडी का कलर ग्रीन ही रहेगा। चलिए भिंडी फ्राई हो चुकी है, अब इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में हम लेंगे ऑयल। अब यहाँ पे ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भून चुका है। अब यहाँ पे डालेंगे एक प्याज स्लाइस किया हुआ और इसको भी भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे चॉप करा हुआ टमाटर और इसको भी भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे, इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी जाएगी हल्दी। अब ऐड करेंगे धनिया पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे किचन किंग पाउडर। अब इन सबको भी मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़ा सा पानी। पानी डालने से मसाले जलेंगे नहीं। तो चलिए इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मसाला थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे दही। दही डालते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको फ्लेम बंद करनी है, नहीं तो दही फट सकती है। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद फ्लेम ऑन करके फिर पकाते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब डालेंगे इसमें फ्राई करी हुई भिंडी। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर जो हमने डाइस में काटे थे। इसके बाद ऐड करेंगे डाइस कटे हुए प्याज। तो चलिए इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको ढक के पकाएंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मिलाएंगे अमचूर पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद को फिर से ढक के पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों इसको एक प्लेट पर सर्व करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये बनके रेडी हो चुका है रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी दो प्याजा। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली रेसिपी के साथ।